वेलकम बैक बब्बर टाउन क्रिप्टो वर्ल्ड। तो आज हम बात करेंगे मून कनेक्ट की। मून कनेक्ट नेट बॉन्टी के वीडियो आ चुकी है चैनल पे, जिसने नहीं देखी है जाके अभी देखो, बॉन्टी को ज्वाइन कर लो। 3 हफ्ते अभी बचे हैं उस बॉन्टी के अंदर। चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करो। अब बात करते हैं मून कनेक्ट डॉट नेट के बारे में। तो टॉप पे दिखा रहा है कनेक्ट एयर ड्रॉप बॉट सून। तो इनका एयर ड्रॉप का बॉट है जो यूआरएल आपको यहाँ देखने को मिलेगा कुछ समय के बाद। तो इस वेबसाइट को आप बना लो बुकमार्क, तो ही आपको रिमेम्बर रहेगा और आप इनके कॉइन एयर ड्रॉप के अंदर ले पाओगे। अब मून कनेक्ट का जो मिशन है, जो प्री सेल लाइव हो चुकी है इनकी, इनका मिशन है 5 मिलियन होल्डर करवाने का अपना। और उसके लिए ये क्या कर रहे हैं कि 70% की जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो एयरड्रॉप बॉन्टी और रिवॉर्ड में दे रहे हैं। एक तो बात ये क्लियर हो गई। और यहाँ पर है इनका ये एक तरह का मैप जिसमें दिखा रहा है कि लॉन्च मून कनेक्ट, फिर 1 मिलियन होल्डर पे ये एरो पहुंचेगा, फिर 2 मिलियन होल्डर पे पहुंचेगा, फिर 3 मिलियन, 4 मिलियन और 5 मिलियन तक। प्रोग्रेसिव डिस्ट्रीब्यूशन, ऑलमोस्ट All of the tokens out there share a similar problem, an unevenly distributed circulating supply. Just a handful or individual own the majority of the supply, resulting to continued whale dumps and unsustainable price flows. Now it's time to make the change. इनका कहना है कि हर एक टोकन के अंदर अगर आप देखें तो एक प्रॉब्लम है। जो प्रॉब्लम है कि कुछ वेल होते हैं, जो बड़ी मछलियाँ हैं, वो सबसे ज़्यादा टोकन को एक्वायर कर लेती हैं पहले। एक्वायर करने के बाद मतलब बाय कर लेती हैं सस्ते में, और उसके बाद कभी भी मार्केट को डंप कर देती हैं। मून कनेक्ट फिक्स दिस प्रॉब्लम बाय डिजाइनिंग अ गेम चेंजर प्रोग्रेसिव डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म। दिस मैकेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग द एंटायर सप्लाई दैट वाज एलोकेटेड 70% सप्लाई टू अ मिनिमम ऑफ 5 मिलियन यूजर्स, एंड बाय डूइंग सो इट मेक्स द मून कनेक्ट द मोस्ट रीजनेबल एंड फेयरली डिस्ट्रीब्यूट टोकन एवर। इनका कहना है कि एक तरह के गेम चेंजर प्लान लेके आए हैं, जिसके अंदर अगर आप इनका टोकन का डिस्ट्रीब्यूशन भी देखते हो तो 30% की सप्लाई तो ये बर्न कर देंगे, तो 70% रह गया। 70% रह गया उसमें 50% तो एयरड्रॉप बॉन्टीज और रिवॉर्ड में दे देंगे ये। अब 10% ही जाएगा प्री सेल और लिक्विडिटी के अंदर, 5% एयरड्रॉप फीस और मार्केटिंग में रखा है, और 5% जो होगा टीम और डेवलपमेंट में डाला गया है, तो उसके अंदर फेयर रहेगा। तो इसमें कोई बड़ी मछली या व्हेल को जो भी कहता है ये, वो इस मार्केट को, इस टोकन को डंप नहीं कर पाएगी जल्दी। 30% ऑफ टोकन बर्न हो जाएंगे, 5% रिफ्लेक्ट टू होल्डर्स दिखाया जाएगा, 5% लिक्विडिटी पूल में डाला जाएगा। ठीक है, अब है मून कनेक्ट का ऑर्बिटल स्टेशन क्या कहता है। मून कनेक्ट का वॉलेट है, मून कैश इंक्यूबेटर है, मून कनेक्ट क्लोनाइजर है, और मून कनेक्ट टूल्स। तो ये 4 चीज़ें हैं जो फीचर्स इनके हैं, जैसे सिंपल टू यूज, प्रैक्टिकल एंड रिलायबल मोबाइल वॉलेट टू इंश्योर एवरीवन will be able to get started with $MCON in seconds and without the need of any crypto related expertise, store and send or receive your token directly in app, unlock on 500 key holders. तो इनका कहना है कि जैसे इनके 500 key holders हो जाएंगे तो इनका wallet activate हो जाएगा, और उस wallet के through फिर आप trading कर सकते हैं, यानी कि token खरीद सकते हैं और बेच भी सकते हैं, किसी को भेज भी सकते हैं, कोई आपको भी transfer कर सकता है। The Moon Cash Incubator will allow Moon Current holders to collect Moon Cash tokens. These tokens will be the main currency that will be used in Moon Connect orbital station. They can also be sold for some extra profit. Unlock on 1 million holders. तो वो जो इनका incubator है, जब 1 million इनके holder complete हो जाएंगे, holder complete होने के बाद ये activate हो जाएगा, और उसके अंदर भी आप अलग तरीके से income generate कर सकते हो, जो एक extra income में count होगी। Moon Connect Colonizer. Get your hands on freshly minted collectible NFTs. All you need is Moon Cash token. MC Colonizer will be let you train, level and compete with your NFTs in order to colonize the moon and collect unique rewards. Unlock on 2 million holder. अब Colonizer का मतलब है कि 2 million holder जब complete होंगे तब ये unlock होगा इनके यहाँ पर, और इसके अंदर NFTs होंगी, उसको आप MC टोकन के साथ बाय कर सकते हैं, इनको कलेक्ट कर सकते हैं, अपने रिवॉर्ड भी आपको हम मिलेंगे। ठीक है ना, जैसे कि इसको होल्ड करते हैं तो उसके बाद एक कलेक्शन देखा जाएगा किस लेवल पे आपने होल्ड कर रखा है, कितना होल्ड कर रखा है, यूनिकनेस कितनी है,
तो फिर आपको रिवॉर्ड मिलेंगे एम कॉइन के अंदर इसमें भी। मून कनेक्ट टूल, ऑल द टूल नीडेड टू सक्सेस ऑन बाइनेंस स्मार्ट चेन यूटिलाइज सच एज लाइट चार्ट, कॉइन ट्रैकर, वॉलेट ट्रैकर, मच मोर बुलेट ऑन नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, बूस्टेड फीचर्स विद मून कैश टोकन। ये 3 मिलियन टोकन जब हो जाएंगे तो इनका एक मून कनेक्ट टूल ऑन हो जाएगा, उसके अंदर आपको कुछ फीचर्स एक्स्ट्रा मिलेंगे, जैसे लाइव चार्ट दिखेगा कि इस टोकन का जो चार्ट है क्या कहता है, और ट्रैकर मिलेगा, वॉलेट का ट्रैकर मिलेगा, ठीक है ना, और भी कई चीज़ें होंगी जैसे ही अनलॉक होगा आपको देखने को मिलेगा वो। तो ये है आपका मून कनेक्ट। अब इनका हम एक बार वाइट पेपर भी चेकआउट कर लेते हैं कि असल में इनका थॉट ऑफ द माइंड क्या कहता है मून कनेक्ट के बारे में। तो मैं तो भैया इम्प्रेसिव कहूँगा कि इनका जो फ्रंट है वो इम्प्रेसिव है, जो फर्स्ट पेज रखा गया है, सिंक्राइज विद द मोस्ट डिसलेंटेड एंड फेयरली डिस्ट्रीब्यूटेड टोकन इन द यूनिवर्स। तो मून कनेक्ट के बारे में ये इनका एक लोगो है या मोड कह सकते हैं। रोड मैप है ऑर्बिट स्टेशन पहला, और उसके बाद ये इनके होल्डर की डिटेल्स बनाई गई इन्होंने इस तरीके से कि किस तरीके से चाहते हैं बढ़ना अपने आप को। CMC CG लिस्ट इतने पे होगी, फिर लॉन्च डेट है 25/7/2021, मतलब अभी भी 2 दिन बचे हैं इसको लॉन्च होने में। 5 लाख होल्डर, फिर 10 लाख, 1 मिलियन होल्डर हो जाएंगे, फिर 2 मिलियन, 3 मिलियन, 4 मिलियन, 5 मिलियन होल्डर। तो इस तरीके से इनका चल रहा है। अब ये है इनका स्टेटमेंट, टोकन विद अ सीरियस मिशन टू 5 मिलियन होल्डर वर्ल्ड वाइड करना चाहते हैं ये, जो ये हर जगह मेंशन कर रहे हैं। और बाइनेंस स्मार्ट चेन पे इनका टोकन है उसी ही पैरामीटर पे चल रहा है। बाइनेंस स्मार्ट चेन पे होने का मतलब ये नहीं कि ये binance.com पे लिस्टेड है, ठीक है ना, तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी। टोकन जो होते हैं वो बाइनेंस स्मार्ट चेन पे या फिर इथेरियम चेन पे या फिर अब पॉलीमैटिक पे आ रहे हैं, तो वो एक चेन है कि किस चेन के ऊपर आप टोकन को इजीली बाय सेल कर सकते हो, ट्रेडिंग कर सकते हो, ठीक है। तो ये मतलब मैं सोचना कि किसी ने बोला कि ARC20 है तो इथेरियम के ऊपर चल रहा है, लिस्टेड हो गया है, या फिर पॉलीमैटिक पे, जब तक कि ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर लिस्टेड डिटेल ना मेंशन की जाए, ठीक है। तो कुछ रीडिंग आपको इनकी करनी पड़ेगी वाइट को पेपर के अंदर जाके, थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करेंगे तो बेटर रहेगा, आपको पता चलेगा कि कंपनी क्या है, क्या प्रोग्रेसिव माइंड रखते हैं, इनके डेवलपर्स क्या सोच रहे हैं, किस तरीके से ये आगे बढ़ेगी कंपनी, सप्लाई कब कब बर्न होगी, एयर ड्रॉप्स कब आएंगे, और बाउंटीज जो चल रही है वो आपको भरनी है, और रिवॉर्ड्स आगे जाके कैसे मिलेंगे इसके अंदर, ठीक है ना। तो सब चीज़ों को आपको रीड आउट करना चाहिए हमेशा वन बाय वन पॉइंट के साथ। आज की वीडियो इतनी ही रखते हैं मून करंट के बारे में, ज़्यादा लंबी नहीं खींचनी चाहिए वीडियो को। इन दोनों वेबसाइट और वाइट पेपर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। चैनल पे अगर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करो। थैंक यू।